सो हमारे बाइक के ओनर बैठे हुए हैं अभी बाइक पे। सो हे हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज मैं एक्सपल्स को लेके जा रहा हूँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाने। और ये गाड़ी देखिए बिल्कुल चमक रही है आज, क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। मेरा जो फ्रेंड है वो इसकी सर्विस करवा के मेरे पास आया और उसने कहा थोड़ा ये मॉडिफिकेशन इस पर करवानी है, थोड़ा वाला स्टिकरिंग करवाएंगे। और UK07 FA9529 इसका नंबर आ चुका है। और गाड़ी काफ़ी प्यारी है चलाने में और ओवरऑल बहुत अच्छी है। और ये हमारी बीस्ट खड़ी हुई है यहाँ पे, आज इसको नहीं चलाएंगे, आज एक्सपल्स चलाएंगे। और बहुत जल्दी आपको मैंने बताया था ऑफ रोडिंग वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है। तो अभी जाते हैं हम एक्सपल्स की मॉडिफिकेशन के लिए। और जिसकी बाइक है वो है राहुल पंत, तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग इनको भी फॉलो कर दोगे तो काफ़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो अपने चैनल का नाम बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को। ट्रेडिशनल पहाड़ी विद राहुल पंत इनका चैनल का नाम है। और ये बाइक उस पर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, तो चलते हैं बाइक को लेके और फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो अभी निकलते हैं घर से और चलते हैं अपनी शॉप में जहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन करवानी है। सो गाइस, कोई माइक सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं ये जो माइक यूज करता हूँ हेलमेट में वो थोड़ा नॉइज़ क्रिएट करता है, पता नहीं क्यों हेलमेट के अंदर भी रहे तब भी नॉइज़ क्रिएट करता है। तो अगर आप कोई माइक सजेस्ट कर रहा हो तो मैं उसको ले लूँगा फिर। सो गाइस, सर्विस हो चुकी है इसकी और ये 665 किलोमीटर चल चुकी है। और सर्विस के बाद काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इसे चलाने में, काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। और अब देखते हैं इसे आज थोड़ा पुल करेंगे, लास्ट डे ये 99 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा पिकअप नहीं पकड़ रही थी क्योंकि फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी गाड़ी की। बट आज सर्विस हो चुकी है तो इस गाड़ी को अभी फुल टेस्ट करेंगे, थोड़ा रिस्क मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे कि कहाँ तक गाड़ी पहुँच रही है। वैसे मैंने वीडियोज़ में काफ़ी देखा है 120 अराउंड क्रॉस कर लेती है ये बाइक, बट उस दिन 100 नहीं गई, क्या पता सर्विस ही इसका एक रीज़न हो सकता है। और अभी इसके लिए एक चैन ल्यूब ख़रीदना है क्योंकि कंपनी में अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा सर आप बाहर से चैन ल्यूब खरीद के डलवा दीजिएगा। तो हम अभी मोटियोल या रोलन का चैन स्प्रे ख़रीदेंगे और चलते हैं फिर आगे और एक चैन स्प्रे लेते हैं पहले। सो गाइस, इस लोकेशन पर हमेशा ट्रैफिक रहता है और जो रेड लाइट होती है वो 2 मिनट की लगती है और जो हमारा जाने का टाइम रहता है वो मात्र 25 से 30 सेकंड के लिए खोलते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो देखिए फिर एक रेड लाइट 71। सो अभी हम आरागढ़ चौक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है प्रिंस चौक के लिए। और सामने CMI के बगल पे ही एक शॉप पड़ती है जहाँ से हमें वो ल्यूब्रिकेंट लेना है बाइक के लिए, चेन स्प्रे। तो अभी आप देखिए यहाँ से जाना है राइट और जैसे ही आप राइट टर्न लोगे तो यहाँ पे है शॉप बाबा ऑटो सेंटर, तो यहाँ पे से हमें चैन ल्यूब्रिकेंट लेना है। तो बाइक हमने पार्क कर ली है और चलते हैं हम। भैया रोलन का चैन स्प्रे देना, उनको चैन स्प्रे देना गुलशन। देख लो यार जो नीचे सर, और ये तो ये 110 रुपए, तो 110 रुपए का है ये। तो आप आ सकते हैं बाबा ऑटो सेंटर पे और यहाँ पे आपको सारी बाइकों की ऑलमोस्ट सारी एक्सेसरीज और सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, तो मस्ट विजिट। तो चैन स्प्रे ले लिया है, अब चलते हैं बाइक में और जहाँ पे इसको मॉडिफाइड करवाएंगे वहाँ पे हम ये चैन स्प्रे अप्लाई करेंगे।
तो 110 इसमें MRP है, कितनी है MRP, 125 MRP है, और यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, तो 110 रुपये का ये हमें लगभग पड़ा है। तो चलते हैं फिर आगे। तो देहरादून के हाल बहुत बुरे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पे भी ट्रैफिक, और पुलिस वालों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए। चल जाएगी, ये देखिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और निकल चुके हैं हम यहाँ से। तो गाइज हम घंटाघर से निकल चुके हैं प्रेमनगर के लिए, और प्रेमनगर पे है वो शॉप जहाँ हमें मॉडिफिकेशन करवाना है बाइक में। तो अभी चलते हैं सीधे प्रेमनगर और आपको दिखाएंगे रास्ते का व्यू। राष्ट्रीय वन अकादमी, ये देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। तो अभी आगे निकल रहे हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे काफी ठंड हो रही है क्योंकि काफी सारे पेड़ हैं। फाइनली गाइज हम प्रेमनगर पहुंच चुके हैं, और यहां से हमें लेफ्ट लेना है। मैं दिखाता हूं आपको, ये है प्रेमनगर मेन मार्केट, और राइट को चली गई है जो रोड वो है पोंटा साहिब के लिए, और लेफ्ट प्रेमनगर मार्केट चले जाता है। तो हमें जाना है यहां से लेफ्ट, और यहां पे से हम लेफ्ट गए। पहुंचने वाले हैं बस, होंडा सिटी जा रही है हमारे आगे, और इसने इस गाड़ी का शीशा मुड़ा दिया है, और फाइनली हम शॉप पे पहुंच चुके हैं। ये है भैया की शॉप अर्जुन आर्ट्स। तो अभी इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करवाएंगे। भैया नमस्ते, ये करवाना था ब्लैक और थोड़ा बहुत टेपिंग। ये जो वाइजर है इसका, इसे ब्लैक करवाना है ना। तो भैया अभी नट वट निकाल रहे हैं, और इसके बाद इसे बाहर निकाल के पूरा इसे ब्लैक टेपिंग हो जाएगी इस पर। सारे पेज दिए हैं हीरो ने इस गाड़ी में, तो खोलते हुए भैया को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। सो हमारे बाइक के ओनर बैठे हुए हैं अभी बाइक पे। थैंक यू ब्रो, आप हमारी बाइक के ब्लॉग बना रहे हो, और आशा करता हूँ आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, साथ में हमारा भी। तो देखिए हॉट गन के साथ इस पर शीट चढ़ेगी, क्योंकि आजकल थोड़ा ठंड है तो शीट थोड़ा हार्ड हो जाती है। सो फाइनली गाइज देखिए यहाँ पे हम इसलिए आते हैं शॉप में, देखिए आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये हमने रैपिंग कराया हुआ।
देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ भैया काम करते हैं और बाइक कुछ ऐसी लग रही है। और यहाँ पे हमारा एक दोस्त मिल चुका है सचिन सेमवाल, तो ये अपने कॉलेज से घर जा रहा था, हमने से रुका लिया और ये इसकी स्टैंडर्ड KTM 200। हाँ। कैसी लगी भाई 200 आज तक आपने इतनी चला ली है? कैसी? बहुत अच्छा, ये रिव्यू है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। बढ़िया है ना? बढ़िया। सजेस्ट करोगे और अब भी नहीं? बिल्कुल करेंगे सजेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हमें सरस्वती विहार से जानता है, जब हम सरस्वती विहार में रहते थे। क्यों अब मिलना जुलना थोड़ा कम होता है? क्यों भाई? पर फिर भी मिल ही लेते हैं, कॉल पे बात हो जाती है। भैया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है ट्रेडिशनल पहाड़ी को निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी बारीक फॉन्ट है। ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है देखिए, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते ही ऐसे कंटेंट के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।